वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत फर्क तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ट्रेन सेक्शन क्लब पर। ये जो सामने से आप मालगाड़ी आते देख रहे हैं, इसमें आलू को भेजा जा रहा है और मालगाड़ी में जो आलू है उसको किस प्रकार से डिब्बों में ट्रांसपोर्ट करते हैं ये देखिए। ये आप देख सकते हैं जो मालगाड़ी के वैगन्स हैं इनको खोल के रखा गया है। बीच बीच में देखिए, ये देखिए ओपनिंग्स दी गई हैं, दोनों ही तरफ ये खुला हुआ होगा, इस प्रकार से जाली लगी होगी जिससे कि इन डिब्बों में वेंटिलेशन रहे, हवा जो है आर पार जाती रहे, क्रॉस वेंटिलेशन जिसको हम कहते हैं, ताकि अंदर जो तापमान है वो ना बढ़ने पाए कहीं पर अगर मालगाड़ी खड़ी होती है। नहीं तो इसमें जो आलू भर करके जा रहा है बोरों में वो सड़ जाएगा, तो उसको बचाने के लिए आलू को देखिए किस प्रकार से वेंटिलेशन इन डिब्बों में रखा गया है। हर डिब्बे को आप देख सकते हैं, वैगन को किस प्रकार से उसमें जाली लगी है, एक प्रकार से खिड़की बड़ी सी आप कह सकते हैं दे रखी है खोल करके, जिससे कि हवा आर पार जाती रहे और अंदर जो तापमान है वो गर्म ना हो। और जो आलू इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, शायद ये आसाम जा रहा है, तो आलू अपने गंतव्य तक ठीक ठाक जो किसान की फसल है वो पहुंच जाए, ख़राब ना हो, इसके लिए देखिए किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है। मालगाड़ी के अंदर हर डिब्बे को आप देखिए खुला हुआ दिख रहा है और किस प्रकार से आलू जा रहा है ट्रांसपोर्ट होकर के, ये आप देख सकते हैं। बोरों में देखिए बाहर तक आपको दिख रहा होगा आलू भरा हुआ है, हर डिब्बे के अंदर आलू के बोरे हैं लदे हुए और जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर मालगाड़ी की मदद से। तो इस प्रकार से आलू भेजा जाता है, ये पहली बार मैं खुद इस प्रकार से देख रहा हूँ आलू जाते हुए इन मालगाड़ियों के अंदर, क्योंकि अधिकांश तो सीमेंट, नमक, यूरिया, फर्टिलाइज़र जो आता है खाद हमने देखा है डिब्बों में, गेहूं हो गया या चावल के बोरे हो गए, लेकिन आलू हम इस प्रकार से जो खुले हुए डिब्बे आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।